हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी नेशनल इनकम की, उसका मीनिंग समझा था, उसके जो रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं उनका हमने मीनिंग समझ लिया है, उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी देख लिया है, उनके फीचर्स क्या होते हैं ये भी समझ लिए। बट अभी कुछ एग्रीगेट्स हैं, कुछ कंसेप्ट हैं जो नेशनल इनकम के साथ रिलेटेड हैं और इतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने पीछे वाले थे। ये कंसेप्ट हम आज क्लियर करेंगे, उनका मीनिंग समझेंगे, उनमें क्या डिफरेंस है ये समझेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी पिछली वीडियो में तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले हम ये समझेंगे। ये होती है इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री which is available with them for expenditure. मतलब कि ये वो इनकम है सभी कंट्री के रेजिडेंट्स की जो कि उनके पास बच जाती है एक्सपेंडिचर के लिए, खर्चे के लिए। उनके पास जो पैसे बच जाते हैं वो होती है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इसको अब हम बात करेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारी नेशनल इनकम होती है उसमें NIT और करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल इनकम में अगर हम ये दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब हम नेशनल इनकम है जो उसको क्या बोलते हैं, जो नेशनल इनकम है इसका इसको इसका नेम क्या है इकोनॉमिक्स में, ये होती है NNP@FC। सो इन अदर वर्ड्स जो इसकी कैलकुलेशन है वो क्या आ सकती है, NNP@FC प्लस NIT प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। और अगर आपको इसको और शॉर्ट करना है तो NNP@FC में अगर हम NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NNP@MP। सो NNP@MP में ही अगर हम करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड कर दें विल गेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। जो ये नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है ना, अगर इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ग्रॉस नहीं लिखा हुआ, नेट नहीं लिखा हुआ, तो इसको हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये नेट है, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है ये। अब हम बात करेंगे फैक्टर इनकम अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP। इसको समझने के लिए पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हमें सभी को पता है कि इंडिया में जो बिजनेस यूनिट्स हैं वो दो सेक्टर्स में डिवाइडेड हैं। दो सेक्टर कौन कौन से हैं, एक तो है प्राइवेट सेक्टर और दूसरा है पब्लिक सेक्टर। वैसे तो सभी को इनका मीनिंग पता होगा पर जिनको इनका मीनिंग नहीं पता मैं बता रही हूँ। प्राइवेट सेक्टर वो है जिसको हमारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो चलाती हैं, जैसे कि रिलायंस, टाटा, ये जो है ये प्राइवेट सेक्टर है। और पब्लिक सेक्टर कौन से हैं, जिसे हमारी गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। अब जो हमारे पब्लिक सेक्टर हैं इसमें दो एंटरप्राइज होते हैं, एक होते हैं डिपार्टमेंटल और एक होते हैं नॉन डिपार्टमेंटल। जो डिपार्टमेंट एंटरप्राइज होते हैं
इसमें वो वाली यूनिट्स आती हैं जिनमें डिपार्टमेंट्स जरूरी होते हैं, जिनमें हमें डिपार्टमेंट्स चाहिए, जैसे कि रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ। अब इसका हर जो हमारी हर सिटी है, हर स्टेट है, उसमें अलग-अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है इन तीनों का, ठीक है। ऐसी जो चीज़ें होती हैं ये डिपार्टमेंट एंटरप्राइज में आती हैं। और नॉन डिपार्टमेंट एंटरप्राइज में कौन सी आती हैं, जैसे कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ये जो है ये इन इनको डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसमें से क्या, अगर हमें किसी मशीन का टूल चाहिए या फिर हमें कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चाहिए तो हम सीधा ऑर्डर कर सकते हैं। बट जो ये वाली चीज़ें होती हैं इनमें डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, हर स्टेट में इसका अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये तो इसकी हल्की सी इंट्रोडक्शन होगी। अब हम बात करेंगे इसके मीनिंग की। मीनिंग तो इसका नाम से ही क्लियर हो जाता है, फैक्टर इनकम अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है एनडीपी एट एफसी का वो वाला पार्ट जो कि प्राइवेट सेक्टर को मिलता है, एनडीपी का वो वाला पार्ट जो प्राइवेट सेक्टर को मिलता है। मतलब इसमें जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट का सेक्टर है, वो इंक्लूड नहीं होता। अगर इसमें गवर्नमेंट का सेक्टर, पब्लिक सेक्टर इंक्लूड नहीं होगा तो उसकी जो इनकम है, जो इनकम हमें होती है डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज से, या फिर जो सेविंग्स होती हैं नॉन डिपार्टमेंट एंटरप्राइज से, ये इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। जो ये है फैक्टर इनकम अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम एनडीपी, ये प्राइवेट सेक्टर की इनकम है। मतलब इसमें पब्लिक सेक्टर की इनकम या सेविंग्स इंक्लूड नहीं होंगी। तो अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम फैक्टर कॉस्ट पे लेंगे, मार्केट प्राइस पे नहीं लेंगे, माइनस इनकम ऑफ डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस माइनस सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज। तो ये जो है ये इसका, ये हो गया इसका फॉर्मूला, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। एनडीपी एट एफसी है, इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स की इनकम इंक्लूड होंगी, पर फैक्टर इनकम अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर ये निकालने के लिए हमें गवर्नमेंट की इनकम, जो कि इनकम ऑफ डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेस है, और सेविंग्स है नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज की, वो हम एनडीपी एट एफसी में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर की इनकम, प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम का मीनिंग क्या है, ये होती है इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्सेस ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जो हमने पहले की थी वो थी इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर जो उसे एनडीपी से मिलती है, ये है इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर जो उसे सभी सोर्सेज से मिलती है। मतलब कि ये प्राइवेट सेक्टर की टोटल इनकम है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे,
इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। जो हमने पहले कैलकुलेट की थी फैक्टर इनकम अक्रिंग टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम एनडीपी, वो इंक्लूड होगी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, बट अगर आपको एग्ज़ाम में या फिर टेस्ट में ये क्वेश्चन लिखना है, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा, आप इसको पूरा लिखिएगा, फैक्टर इनकम अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम एनडीपी। इसमें और क्या इंक्लूड होगा, जो इनकम है जो प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट से इनकम मिलती है सब्सिडीज़ के रूप में या फिर और किसी फाइनेंशियल बेनिफिट के रूप में, करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट। और इसमें इंक्लूड होगा जो उसे इनकम मिल रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, कोई सब्सिडी मिल रही है या फिर कोई और फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है, वो करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड, या फिर आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी लिख सकते हो। और इसमें क्या इंक्लूड होगा, और इंटरेस्ट मिल रहा है जिसको नेशनल डेट के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। और क्या इंक्लूड होगा, और इंक्लूड होगा NFYA जो वो अर्न कर रहा है बाहर से। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी तो हमें मिलेगी इनकम, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर की प्रॉपर इनकम होती है, उसके पास उसने जो कमाया वो होता है। तो ये प्राइवेट सेक्टर की पूरी इनकम होती है, जो भी उसने साल भर में कमाया या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर कमाया, उसे अगर हमने कैलकुलेट कैसे करना हो तो हम ये वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। इसको फैक्टर इनकम अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम NDP इसको कैसे निकालते हैं मैंने आपको पहले बता दिया है। अब अगर हमने बात करनी हो डिफरेंस की कि फैक्टर इनकम अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम NDP एट FC और प्राइवेट इनकम, इनमें क्या डिफरेंस है, पहले तो हम इसका फॉर्मूला ही देख लेंगे कि जो प्राइवेट इनकम है इसमें करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट अब्रॉड और इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट आर इंक्लूडेड, ठीक है, इसमें ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो ये उसका फर्स्ट पॉइंट हो गया, और इधर ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, आर नॉट इंक्लूडेड। सेकेंड पॉइंट क्या है, बी, कि ये प्राइवेट सेक्टर की टोटल इनकम है, टोटल इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर, और ये क्या है, ये है इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम NDP एट FC, ठीक है। अब अगर आप ये देख रहे हो कि ये टोटल इनकम है और ये वो इनकम है जो कि उसे NDP एट FC में से मिलती है, तो इसका थर्ड पॉइंट भी हम यहाँ से ही बना लेंगे कि जो ये है ये वाइड कंसेप्ट है, वाइड लिख सकते हो या फिर ब्रॉडर कंसेप्ट लिख सकते हो, और ये जो ये वाला है ये नैरो है, नैरो कॉन्सेप्ट। पता चल रहा है आपको कि ये टोटल इनकम है तो ऑब्वियस है कि ये बड़ा पोर्शन है, ये बड़ा कॉन्सेप्ट होगा, और ये है ये वो इनकम है जो उसे NDP एट FC में से मिल रही है, तो ये नैरो कॉन्सेप्ट होगा। अब हम देखते हैं कि पर्सनल इनकम क्या होती है। आपको नेम से इसका मतलब समझ में आ रहा होगा, इसका मीनिंग क्या है ये आपको नेम से पता चल गया होगा कि ये है टोटल इनकम of all the persons या फिर individuals in an economy from
वेरियस सोर्सेस ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड। इसका मतलब क्या है? बहुत ही इजी सा मीनिंग है इसका कि ये सभी की इनकम, सभी पर्संस की या फिर सभी इंडिविजुअल की इनकम होती है जो उन्हें अलग अलग सोर्सेज से मिलती है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, एक साल के अंदर, एक दो साल के अंदर जो वो इनकम अर्न करते हैं अलग अलग अपने सोर्सेज से। कोई लेबर वर्क करता है, कोई बिजनेस करता है, जो जो सोर्सेज से भी इनकम अर्न कर रहे हैं उनका जो टोटल इनकम है वो होती है उनकी पर्सनल इनकम। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? पर्सनल इनकम क्या होती है ये हमने देख लिया, कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये है प्राइवेट इनकम माइनस सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर माइनस कॉर्पोरेट टैक्सेस, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। मतलब कि अगर हम प्राइवेट इनकम में से सेविंग्स को और उनके टैक्सेस को, देखो एक पर्सन इनकम अर्न करता है और अगर वो अपने बिजनेस यूनिट की सेविंग्स, जो उसने अपने बिजनेस यूनिट में पैसा लगाना है, आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको निकाल दे, और जो उसने टैक्सेस पे करने हैं अपने इनकम के, जैसे कि इनकम टैक्स पे करना है या फिर और कोई टैक्स जीएसटी है वो पे करनी है, ठीक है, अगर इन दोनों चीज़ें को निकाल दे, सेविंग्स को और टैक्सेस को जो कि वो अपने बिजनेस के लिए यूज़ करेगा, उसको अपनी इनकम में से निकाल दे, तो उसके पास क्या बच जाएगी? पर्सनल इनकम। कि डिफरेंस क्या है किसमें, प्राइवेट और पर्सनल इनकम में? इनके अगर हम डिफरेंस की बात करें तो एक बेस तो डिफरेंस का हो गया कि ये जो है ये पर्सनल पर्सन्स की इनकम है, ठीक है, और वो जो दूसरी है वो होती है प्राइवेट सेक्टर की इनकम। एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या होगा कि जो इसमें है पर्सनल इनकम है, इसमें सेविंग्स और कॉर्पोरेट टैक्स इंक्लूड नहीं होते, सेविंग्स कॉर्पोरेट टैक्सेस आर नॉट इंक्लूडेड इन पर्सनल इनकम, ठीक है, और जो हमारी प्राइवेट इनकम है ये इंक्लूड करती है, इंक्लूड सेविंग एंड टैक्सेस। अगर इन इसमें प्राइवेट इनकम में हमारे सेविंग्स और टैक्सेस इंक्लूड है तभी हमने इसमें से माइनस किए हैं ना। और इसका थर्ड पॉइंट क्या बन जाएगा कि ये जो प्राइवेट इनकम है इस वाइडर कंसेप्ट देन पर्सनल इनकम। एक हो गया कि ये पर्सनल्स की इनकम होती है पर्सनल इनकम, और दूसरी जो होती है वो होती है प्राइवेट सेक्टर की इनकम। दूसरा पॉइंट हो गया कि पर्सनल इनकम में प्राइवेट सेक्टर की सेविंग्स और कॉर्पोरेट टैक्स माइनस होते हैं और प्राइवेट इनकम में ये इंक्लूड होते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया, अगर आप नॉर्मल सी बात है कि अगर इसमें ये दोनों चीज़ें इंक्लूड है, पर्सनल इनकम में इंक्लूड नहीं है, प्राइवेट इनकम में इंक्लूड है, तो प्राइवेट इनकम जो हो गया ये वाइडर कॉन्सेप्ट हो गया किससे, पर्सनल इनकम से। तीन बेसिक डिफरेंस के बन गए। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है पार्ट ऑफ इनकम ऑफ पर्सन्स या फिर इंडिविजुअल्स विच इज अवेलेबल विद देम
फॉर एक्सपेंडिचर, मतलब कि ये पर्सनल इनकम का वो वाला पार्ट होता है जो कि पर्सन्स के पास या फिर इंडिविजुअल के पास लास्ट में बच जाता है उनके खर्चे के लिए। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? अगर हम पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स, मतलब कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, वाटर बिल पे करते हैं, वो वाले डायरेक्ट टैक्स माइनस कर दें, या फिर फीस फाइंस पेड टू गवर्नमेंट, जैसे कि हमें चालान हो गया, ऐसी जो चीज़ें हो गई कभी कभी हमारे साथ हो जाती हैं, तो ये वाली फीस फाइंस माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचा है? ये हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल मतलब जो वो इनकम जो कि हम एक पर्सन अपने एक्सपेंडिचर के लिए कपड़े खरीदने हैं या फिर कोई सामान खरीदना है घर के लिए या फिर और सब्जी लेके आनी है, फ्रूट्स लेके आने हैं, वैसा एक्सपेंडिचर जो हमने करना है उस एक्सपेंडिचर के लिए जो हमारे पास इनकम बच जाती है वो होती है हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जो एक पर्सन अपने खुद के लिए यूज़ करता है। हमने जो पहले की थी वो थी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, उसमें सभी पूरे नेशन की एक्सपेंडिचर वाली इनकम इंक्लूड थी, बट इसमें एक पर्सन की ही इनकम इंक्लूड होगी। जो एक पर्सन यूज करता है अपने एक्सपेंडिचर के लिए वो वाली इनकम जो उसको चाहिए वो है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल इनकम में डिफरेंस क्या है? पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में डिफरेंस क्या है? जो पर्सनल इनकम होती है ये टोटल इनकम है ऑफ पर्सन, लिख लो पर्सन, मतलब कि इसमें से हमें कुछ भी माइनस नहीं किया है, जो कि एक पर्सन ने इनकम कमाई वो है पर्सनल इनकम। और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है? ये है इनकम अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर, ये पार्ट है, सॉरी, ये भी, ये है टोटल इनकम पर्सन की और ये वो इनकम है जो उसके पास एक्सपेंडिचर के लिए रह जाती है। तो इसमें हमारे डायरेक्ट टैक्स और फीस फाइंस इंक्लूड होते हैं, आर इंक्लूडेड। अगर इसमें इंक्लूड है तो ये ब्रॉड कंसेप्ट, इसमें ये सब इंक्लूड नहीं होते, ऊपर हमने माइनस किए हैं डायरेक्ट टैक्स फीस फाइंस पेड टू गवर्नमेंट आर नॉट इंक्लूडेड। तो ये इसमें अगर इंक्लूड नहीं है तो ये क्या हो गया? नैरो कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस क्या है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम? सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग है जो वो ये हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस है। जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है ये होती है पार्ट ऑफ इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल विच इज अवेलेबल with him for expenditure, ठीक है। और जो ये national disposable income होती है ये क्या होती है? ये होती है part of income of all the
individuals living in country available with them for expenditure. मतलब कि ये एक इंडिविजुअल का इनकम का पार्ट है और ये किसका है, ये सभी इंडिविजुअल्स की इनकम का पार्ट है, सब उसका टोटल है. तो सेकंड पॉइंट क्या आएगा, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है परचेजिंग पावर एक पर्सन की. इंडिकेट्स परचेजिंग पावर ऑफ एन इंडिविजुअल. और ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स परचेजिंग पावर ऑफ द नेशन. ठीक है, तो अब जो ये वाली है, ये है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ पर्सनल इनकम. हमने इसके फॉर्मूले में देखा है कि ये किस साथ कैलकुलेट होती है, पर्सनल इनकम की मदद से कैलकुलेटेड होती है. और जो ये है इसका सी पॉइंट, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ नेशनल इनकम. इसके फॉर्मूले में हम नेशनल इनकम को यूज़ करते हैं. ये जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, ये है नैरो कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये एक पर्सन से रिलेटेड है तो ये नैरो हो गया. और जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है, ये है वाइडर कॉन्सेप्ट. तो इस वीडियो में हमने जो हमारे बचे हुए एग्रीगेट्स थे जो नेशनल इनकम के साथ रिलेट करते हैं उसकी बात कर ली है. तो इससे हमारा जो नेशनल इनकम का एक पार्ट है, बेसिक कंसेप्ट और रिलेटेड एग्रीगेट्स का, वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. इसके आगे रिलेटेड एग्रीगेट्स नहीं होते हैं. अब नेक्स्ट चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के साथ, कि क्या मेथड्स हैं नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के, नेशनल इनकम को अगर हमने कैलकुलेट करना हो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा. और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो.